झुंझुनू में सामाजिक एवं अधिकारिता विभाग की ओर से नवजीवन योजना के तहत महिलाओं और बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सिलाई कढ़ाई के साथ ही कई दूसरे तरह के प्रशिक्षण दिया जा रहे हैं। जिला पर्यावरण सुधार समिति की ओर से जिले की 11 पंचायतों के 22 प्रशिक्षण केंद्रों पर महिलाओं और बालिकाओं को अलग अलग प्रशिक्षण दिया जा रहा है। संस्था के सचिव राजेश अग्रवाल ने बताया कि निःशुल्क प्रशिक्षण में उन्हें मेजपोस, कंप्यूटर कवर, बेडशीट कवर बनाना सिखाया जा रहा है। नट, कंजर, सासी, बावरिया, गुआरिया, कलाल, इन जातियों के पुनरुत्थान के लिए इनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाए, इनको रोजगार से जोड़ा जाए, इसके लिए हम समाज कल्याण विभाग के साथ प्रयासरत हैं। उसी के तहत अजाड़ी कला में ये एक सिलाई प्रशिक्षण कार्यक्रम हम 25 महिलाओं को लेकर चला रहे हैं और ये 25 महिलाएं नट जाति से हैं और सभी के पति शराब से, कच्ची शराब के आदि, सेवन करने के आदि हैं और अब इनको सिलाई सिखा करके हमारा उद्देश्य है कि भाई ये अपने पांवों पे खड़ी हो, अपने रोजगार से जुड़े। हम इनको बैंकों से लोन भी दिलवाएंगे जिसमें इनको सब्सिडी भी मिलेगी। योजना में अभी हम यहाँ नट कास्ट में अजाड़ी गांव में सेंटर लेके आए हैं और उसमें स्टार्टिंग में मैंने महिलाओं को देखा तो मेरे को यूँ महसूस हुआ कि ये नहीं सीख पाएंगी, लेकिन आज इनको एक महीना हो गया, दिखाया है कि चारों तरफ पर्दे और कुशन कवर, मैच पोस, टीवी कवर सब कुछ बना के दिखाए और सबके सबके हस्बैंड सब शराबी थे और उनको ये यूँ बोल रहे कि हम नरेगा का काम छोड़ेंगे और हम सिलाई से पेट भरेंगे। नवजीवन योजना के तहत हम मजदूरी करना चाहते हैं और हमारे बच्चों का पालन पोषण करना चाहते हैं। इस योजना के तहत हमें बहुत अच्छा लाभ मिल रहा है और हम इस लाभ का फायदा उठाना चाहते हैं। और पहले हम नरेगा में जाते थे और अब हमें जो ये सिलाई सेंटर का ये यहाँ से लाभ मिला है कि हम चाहते हैं कि हमें इससे रोजगार मिले और ये सिलाई सेंटर हमें बहुत अच्छा लगा। हमारे गांव में कोई रोजगार नहीं था और हमारे पति सभी शराब से जुड़े हुए हैं और इस शराब से मैं बहुत परेशान थे, लेकिन आज हमारे को यहाँ सेंटर मिला है और सेंटर से हमारा फायदा मिला है और इस सेंटर से हम फायदा लेके अपने परिवार की और अपने घर की आर्थिक स्थिति सुधारेंगे।